हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक RGB ब्रिक लाइट का अनबॉक्सिंग और एक क्विक रिव्यू, जो कि मैंने अभी रिसेंटली मैं अमेजन से परचेज़ किया है। अपने ब्लॉगिंग के रिलेटेड मैं इसे यूज़ करूँगा और आप लोगों के लिए आगे चलने वाले जो वीडियोज़ हमारे चैनल पर आएंगे उसमें आपको इस ब्रिक लाइट का यूज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक्चुअली जहाँ मैं शूट करता हूँ अपना वीडियोज़, वहाँ पर लाइट की थोड़ी सी कमी है, तो मैंने ये ब्रिक लाइट अमेजन से ऑर्डर किया है जो कि मुझे काफ़ी कम प्राइस में मिला है। मैंने ये पैक ऑफ टू मंगवाया था जो कि अराउंड मुझे 390 रुपीज़ के अराउंड पड़ा है। ये 50 वाट का 50 वाट्स कंज्यूम करता है ये, और ये RGB की LED लाइट में आता है ये आपको, जिसको आप रिमोट कंट्रोल से एक अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, चलिए आज मैं दिखाता हूँ कि मुझे बॉक्स कंटेंट में क्या क्या देखने को मिलता है। अंदर में आप देख सकते हो, सबसे पहले हमें एक ब्रिक लाइट मिलता है और साथ में आप देख सकते हो कि इसका फिनिशिंग उतना तो मुझे अट्रैक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि जिस प्राइस रेंज में मिल रहा है ये, उस प्राइस रेंज को वर्थ है, बट क्वालिटी थोड़ी सी और इम्प्रूव होनी चाहिए थी। क्वालिटी वाइज मुझे थोड़ा सा इसमें कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिल रहा है, जो कि आप देख सकते हो कि इसके जो मटेरियल से बना है वो काफ़ी, आप इजीली देखिए बेंड हो रहा है ये, आप देख सकते हो इतना इजीली दबाने से ये देखो आप ये अप डाउन हो रहा है ये, तो कंपनी को थोड़ा सा इसको और अच्छा बनाना चाहिए था, जिस उससे थोड़ा इसकी इसका लाइफ थोड़ा ज़्यादा बढ़ सकता। इसका हैंडल आप देख सकते हो, जो हैंडल भी है सब मूव कर रहा है, काफ़ी फ्लेक्सिबल टाइप का लग रहा है मुझे ये, क्योंकि ये हैंडल एज ए स्टैंड आप यूज़ कर सकते हो, या कहीं भी आप वॉल माउंट पे या कहीं भी आप स्टैंड पे आप इसे लगा सकते हो। सो इस प्रकार ये खड़ा होता है, जो पीछे वाला जो इसका हैंडल दिया हुआ है उसको बीच में लाने से ये अपने डिफरेंट एंगल में ये खड़ा हो जाता है। देखो, मैं आपको इसका चारों तरफ का ओवरव्यू दिखाता हूँ कि किस प्रकार आप इसे आप यूज़ कर सकते हो। और ये आप ये जो प्रोडक्ट है ये ऊपर से एक प्लास्टिक का कुछ कोटिंग किया हुआ है, एक सीट टाइप का है जो कि स्क्रू से टाइट किया हुआ है। उसके अंदर सारे LED बल्ब हैं, जो RGB बल्ब यूज़ किए गए हैं इसके अंदर यूज़ किए गए हैं, और इसे हम इस देख सकते हो, इस रिमोट से हम ऑपरेट कर सकते हैं। ये काफ़ी छोटा सा रिमोट है और इसमें काफ़ी बटन्स दिए हुए हैं, डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट मोड्स के बटन्स हैं, आप देख सकते हो फ्लैश के हैं, फेड, स्ट्रोब, काफ़ी इसमें फीचर्स दिए हुए हैं। सो चलिए गाइस, एक काम करते हैं, हम लोग इस लाइट को पहले एक बार जला के देखते हैं कि ये आखिर कैसा ये लाइट देता है, कैसा ये इसकी इसका रोशनी आता है, और क्या ये प्राइस रेंज को वर्थ है या नहीं। आइए चलिए गाइस, इसे हम लोग चला के देखते हैं। सो गाइस देखो, इसे मैंने AC में कनेक्ट कर दिया है, और ये AC 220 वोल्ट से 240 वोल्ट तक ये सपोर्ट करता है। अगर आप इस 240 वोल्ट पर चलाएंगे या 230 वोल्ट पर चलाएंगे तो काफ़ी अच्छा लाइट ये आपको देखने को मिलेगा। देखिए, मैंने इसे पावर सोर्स में मैंने कनेक्ट कर दिया है, और देख सकते हो इससे एक लाइट ये फर्स्ट पावर ऑन पर ये इस तरह से ऑटोमेटिक ये जलता है लाइट। ये इसका ऑन बटन है और ये इसका ऑफ बटन है, आप देख सकते हो ये कितनी अच्छी तरीके से ये ऑपरेट हो रहा है। और इस तरीके से आप देख सकते हो कि हम लोग इसका लाइट भी चेंज कर सकते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, आपके अकॉर्डिंगली आप इसे इसका लाइट बढ़ा सकते हो, इसका लाइट घटा सकते हो। देखिए, आप देखो लाइट इसका घट जा रहा है, इससे दबाने से आपका लाइट इसका तेज हो रहा है, ये बढ़ रहा है ये लाइट। और गाइस, इसके आप डिफरेंट कलर भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे आप देखो इसका मैं ब्लू कलर करता हूँ तो ये देखो कैसा दिखता है, ये ब्लू कलर में ऐसा दिखता है ये, काफ़ी लाइट तो काफ़ी तेज़ है, काफ़ी अच्छी है लाइट। अब सबसे बड़ा इशू है कि ये देखना है कि ये कितना दिन लास्ट करता है, क्योंकि इसका बिल्ड क्वालिटी तो मुझे ओके सा लगा है, बट जिस प्राइस में मुझे 190 के राउंड इसका प्राइस पड़ा है, 190-195 के राउंड प्राइस पड़ा है सिंगल पीस का, और ये रिमोट कंट्रोल के साथ आता है, सबसे बड़ा इशू है कि इस प्राइस रेंज में इस ये कितने दिन तक ये लास्ट करेगा, क्योंकि पर डे इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। गाइस, मैं तो इसे काफ़ी यूज़ करने वाला हूँ अपने आने वाले ब्लॉग्स में, और आप लोगों को जो मेरा अपकमिंग ब्लॉग्स देखने को मिलेगा, अनबॉक्सिंग देखने को मिलेगा, या जो भी टेक रिव्यूज़ मैं दूंगा, तो उसमें मैं आपको ये प्रोडक्ट का यूज़ करके दिखाऊंगा, मतलब ये लाइट में इसका यूज़ करके, और उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स, डेफिनेशन आपको मैं जितने भी कुछ होगा, अपना ओवरव्यू, रिव्यू सब मैं इस लाइट के
अकॉर्डिंगली ही लूँगा। देखिए अभी मैंने अपने रूम का लाइट थोड़ा कम कर दिया है, उसके बाद ये देख सकते हो इसका लाइट कैसा दिख रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे प्रोडक्ट ये, काफ़ी प्राइस रेंज को तो ये वर्थ करता है। बट थोड़ा सा कंपनी इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में अगर ध्यान देती थोड़ा अच्छा, इसका जो बैक हैंडल है और ये जो जिस फ्रेम में ये बना है वो फ्रेम अगर थोड़ा सा क्वालिटी इसकी इम्प्रूव करती तो ये काफ़ी प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट मेरे ख्याल से ये होता। वैसे अभी भी ये ऐसा नहीं कि ये प्रोडक्ट ख़राब है, प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, आप लोग बाई कर सकते हो, लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच।